जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान टोयोटा शोरूम में 60 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और दो साथी चोरों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके पास से 28 लाख कैश को बरामद कर लिया है। पकड़े गए साथी चोरों ने बताया कि चोरी करने के बाद गांव पहुंचकर भोज और भंडारा करने के बाद पूरे गांव को खिलाया है और बताया जा रहा है कि यहां पर 30 से 40 बकरों को लाया गया था जिसके दौरान भंडारा किया गया है। इसके बाद गांव में ही बार बालाओं को बुलाकर डांस पार्टी दी गई है और मौज मस्ती में करीब 30 से 40 लाख रुपये यहाँ पर उड़ा दिए हैं और शनिवार को पुलिस ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। DCP ईस्ट शिवाजी शुक्ला ने बताया कि 4 जून को महाराजपुरा के सनी टोयोटा शोरूम में करीब 60 लाख रुपये की चोरी हुई थी। सर्विलांस की मदद से कुंभाराम का पूर्वा थाना नवराजगंज प्रतापगढ़ निवासी ने 23 वर्षीय रंजीत प्रजापति और श्यामू उर्फ राजेश मौर्या को हिरासत में ले गया है। उन्होंने बताया कि चोरी करने के बाद गांव पहुंचे हैं और एक 30 से 40 बकरों का भंडारा करने के बाद बार बालाओं को बुलाया गया है। करीब यहां पर बड़ी मात्रा में संख्या में नोटों को उड़ा दिया गया है जिसके दौरान इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। अब पुलिस लगातार इनसे जाँच पड़ताल कर रही है। सो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।